सो इन टूडेज लेक्चर वी विल भी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर एज वेल बिकॉज इन दर्ली लेक्चर वी डिस्कस वॉट इज़ अ पार्टनरशिप एंड वट आर द एजेंशियस पार्टनरशिप ठीक है तो उसी के हिसाब से पार्टनरशिप को भी डिवाइड किया गया है अलग अलग तरीके की पार्टनरशिप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइबिलिटी ठीक है बेसिकली इन दो ही चीज़ों के ऊपर जो है मेन कैटेगराइजेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज डन ठीक है तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि वट इज़ अ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्सड पीरियड ठीक है वैसे इसको समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है ईजी सी चीज़ है कि फ़िक्स पीरियड के लिए एक पार्टनरशिप अगर होती है तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्सड पीरियड अब इसका एग्ज़ाम्पल कैसा है दो पार्टनर हैं ए और बी ठीक है उन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड बनाई एग्रीमेंट एक बनाया जो हमने पहले डिस्कस किया था कि एक पार्टनरशिप डीड होती है एज इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट होती है तो उस पार्टनरशिप डीड में ए और बी ने जब पार्टनरशिप करी तो उन्होंने एक क्लॉज डाला कि द पार्टनरशिप शुड बी फॉर फाइव ईयर्स पार्टनरशिप जो है वो पाँच साल तक चलेगी या फिर दस साल तक चलेगी या फिर दो साल तक चलेगी या फिर छः महीने तक चलेगी जितना भी उनको अपने हिसाब से पार्टनरशिप चलानी थी उन्होंने एक फ़िक्स पीरियड उस पार्टनरशिप डीड में बता दिया कि भाई दिस पार्टनरशिप विल बी फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ठीक है तो अब क्या चीज़ डिसाइड हो गई कि भाई ये पार्टनरशिप जो होनी है वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के कम्प्लीट होने के बाद खत्म हो जाएगी ठीक है तो अब इसमें आते हैं दो ऑप्शन ठीक है या तो मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मान लिया जाए कि पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ था कि पार्टनरशिप विल बी फॉर वन ईयर तो अगर एक साल जब कंप्लीट हो जाता है तो अब पार्टनर्स के पास दो ऑप्शन आते हैं ठीक है मान लो हो सकता है भाई उन्होंने एक साथ काम किया उनको वो काम पसंद आया तो अब एक साल जब कंप्लीट हो जाता है पार्टनरशिप डीट के अकॉर्डिंगली तो उनके पास क्या होते हैं उनके पास दो ऑप्शन आते हैं पहला ऑप्शन है चाहे तो वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी क्योंकि अगर पार्टनरशिप एक साल के लिए है फिक्स पीरियड है एग्रीमेंट में वो पहले से चीज़ एम्बेडेड है तो वो एक साल के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी या तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि वो टाइम पीरियड फिक्स पीरियड कम्प्लीट होने के बाद उस एक नया एग्रीमेंट करके एक नया एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड बना के उसको कंटिन्यू कर लिया जाए और उसको क्या कहेंगे पार्टनरशिप एट विल ठीक है या तो वो उसको डिसॉल्व कर सकते हैं या तो फिर पार्टनरशिप एक एट विल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए उन्हें एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना पड़ेगा जिसके थ्रू वो पार्टनरशिप को अपनी कंटिन्यू कर लेंगे वरना एक साल के बाद तो वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगी बिकॉज द पार्टनरशिप इज़ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ठीक है अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन एट ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू अब ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है ठीक है हमने पहले पढ़ा था कि किसी पार्टनरशिप के क्या क्या एजेंशियल्स होते हैं ठीक है तो उसमें पर्टिकुलर पार्टनरशिप से मतलब ये होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टनरशिप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए किसी पर्टिकुलर काम के लिए अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं ठीक है तो उसको क्या कहेंगे उसको कहेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप कि भाई इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के पर, जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता इस प्रोजेक्ट तक हम दोनों पार्टनर्स रहेंगे एग्रीमेंट डीड दोबारा बनाई जाती है एग्रीमेंट डीड में एक चीज़ क्लॉज मेंशन किया जाता है कि ये पार्टनरशिप जो होगी ये तब तक होगी जब तक ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है ठीक है अब इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं दो बिल्डर्स हैं एक पर्टिकुलर प्लॉट उनको मिलता है ठीक है अब बिल्डर ए को लगता है कि भैया ये काम मैं जो है वो अकेले नहीं कर पाऊंगा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो एक दूसरे बिल्डर से बात करता है कि भैया ये प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता हम दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं जो भी चीज़ें होंगी आपस में डिवाइड कर लेते हैं ठीक है तो अब एक बिल्डिंग को एक प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए सिंगल ट्रांजेक्शन तो होती नहीं है ठीक है क्योंकि अगर सिंगल ट्रांजेक्शन होती है तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती हमने पहली पढ़ लो का ठीक है थीके? तो अब एक भाई रोज़ का माल आना है रोज़ का सीमेंट बजरी बजर फूड मजदूर ये वो पचास तरीके की ट्रांजेक्शन रोज़ होती हैं तो ये अब दोनों किस चीज़ के लिए पार्टनरशिप कर लेते हैं कि भाई इसमें कितना भी टाइम लगे उससे मतलब नहीं है अब टाइम की बाउंडेशन नहीं है लेकिन इस प्रोजेक्ट की बाउंडेशन है कि भाई जब ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा तब हमारी पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाएगी तो अब इसको क्या कहेंगे पार्टनर पर्टिकुलर पार्टनरशिप ठीक है क्योंकि द पार्टनरशिप इज़ फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट फिर से दो ऑप्शन होंगे इधर द पार्टनरशिप विल बी डिज़ोल्व ऑटोमेटिकली क्योंकि वो क्या थी डीड में पहले से ही मैंशन था कि भाई इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही हमें पार्टनरशिप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही हमें पार्टनरशिप करनी है तो अब पार्टनरशिप या तो दो ऑप्शन होंगे या तो वो डिजोल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप कंप्लीट होने के बाद लेकिन अगर उनको लगता है कि भैया हमने अच्छा काम किया या तो फिर कोई और प्रोजेक्ट है कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जांपल कोई भी रीजन हो सकता है अब उनको लगता है कि भाई इस पार्टनरशिप को कन्वर्ट करना चाहिए एक्सटेंड करना चाहिए तो वो इस पार्टनरशिप को एक्सटेंड कर सकते हैं पार्टनरशिप एट विल में ठीक है तो ये दो ऑप्शन पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप में भी होते हैं इधर भाई पर्टिकुलर काम के लिए है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होने के बाद तो उसको डिसॉल्व होना ही होना है लेकिन अगर ये दोनों चाहते हैं तो भाई उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं अपनी डेट को चेंज करा कर ओके तो अब हमारे समझ में आ गई दो चीज़ें एक फिक्स पीरियड के लिए भी पार्टनरशिप हो सकती है दूसरी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भी पार्टनरशिप हो सकती है तीसरी आती है पार्टनरशिप एट विल अब जाहिर सी बात है पार्टनरशिप एट विल हमने दोनों में भी इससे पहले जब इन दोनों को डिस्कस किया तो भी डिस्कस की तो अब बेसिकली पार्टनरशिप एट विल का एक रॉ आइडिया तो सबको लगी ही गया होगा कि पार्टनरशिप एट विल क्या होती है ये सेक्शन सेवन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू में डिजॉल्व है डिस्क्राइब्ड है बेसिकली नो ड्यूरेशन इज स्पेसिफाइड नो पर्टिकुलर वर्क इज स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट्स डिपेंड्स सोलली एंड सोलली अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर विल का मतलब क्या होता है इच्छा जो पार्टनरशिप दोनों पार्टनर्स के इच्छा पे डिपेंड करती है उसको कहते हैं पार्टनरशिप एट विल चले तो चाँद तक ना चले तो शाम तक ठीक है अब इसमें कोई चीज़ डिफाइंड नहीं है ये जब चाहे दो लोगों की अगर पार्टनरशिप फर्म है उनकी अगर पार्टनरशिप फर्म एट विल है जब वो चाहें इस चीज़ को डिजॉल्व कर सकते हैं जब तक उनका मन है एक साल काम करना चाहें एक महीने काम करना चाहें एक दिन काम करना चाहें दस साल काम करना चाहें सौ साल काम करना चाहें तो ये उनके विल पर डिपेंड करेगी ठीक है दोनों की इच्छा है सहमति है जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी फॉर्म को डिजॉल्व करने की फॉर्म डिजॉल्व नहीं होगी ये बेसिकली दो पार्टनर के केस के में होता है अगर पार्टनर ज़्यादा होंगे तो भाई अगर मान लो एक को डिजोल्व पार्टनरशिप एट विल कर रखी है तो एक तो तो, तो पार्टनरशिप एट विल तो इसमें कोई किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता जब चाहे तब वो उस पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़कर जा सकता है और अगर दो पार्टनर होंगे तो सी बात है, एक बंदा तो पार्टनरशिप फॉर्म बना नहीं सकता तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी उसके जाते ही और अगर दो से ज़्यादा बंदे हैं तो पार्टनरशिप डिजॉल्व नहीं होगी वो बंदा उसको छोड़कर जा सकता है क्योंकि द पार्टनरशिप इज़ बिल्ड ऑन एग्रीमेंट दैट इज स्पेसिफिकली मेंशनिंग दैट दिस पार्टनरशिप इज़ पार्टनरशिप एट विल ठीक है तो बेसिकली तीनों तरीके की पार्टनरशिप होती है पार्टनरशिप एट विल पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप किस किस लिए होती है भाई बंदे के अपने अपने काम होते हैं अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं तो उसके हिसाब से जो अब बंदे को कोई दिक्कत ना हो पार्टनरशिप फॉर्म करने में दो लोगों को तो वो अपने हिसाब से क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई मान लो दो लोगों ने सोचा कि भाई एक एक साल तक साथ में काम करके देखते हैं जानती है तो आगे करेंगे नहीं जानती तो नहीं करेंगे तो फिर वो किस चीज़ में जाएंगे पार्टनरशिप फॉर अ पीरियड ठीक है क्योंकि अमूा एक साल में पता चल जाता है इंसान को कि भाई सामने वाले की क्या रिस्पॉन्स है पार्टनरशिप कैसी आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है ठीक है तो ये क्या है दीज आर द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन ठीक है अनदर इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप इज डन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कि किसकी कितनी लाइबिलिटी होगी ऑल दो वी विल डिस्कसिंग राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स टू दैम सेल्फ इज थर्ड पार्टीज इन अनदर वीडियो बट स्टिल लाइबिलिटी का क्या, क्या मतलब होता है लाइबिलिटी कितनी उनको लाइबिल किया जा सकता है तो पहले तो होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसको भी समझना कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है दो पार्टनर्स हैं उन्होंने कोई फॉर्म खोली अब दोनों कितनी भी लाइ लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है सू भी कर सकते हैं टू भी सूट भी हो सू हो भी सकते हैं कोई उनकी लाइबिलिटी में कोई रोकथाम नहीं है ठीक है लेकिन लिमिटी लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट टू में क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म भी बनाई जा सकती है उसमें क्या होता है कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं ठीक है उनको एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही लाइबिल किया जा सकता है प्रॉफिट में या लॉस में जो भी है ठीक है दिस इज वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस बट इसका मतलब एक बेसिकली एक सिंपल सा आइडिया क्या होता है कि लाइबिलिटी जो है वो uh, एक पर्टिक एक उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन होती है आपको अनलिमिटेड लाइब चीज़ के लिए लाइबिल नहीं किया जा सकता जो भी उस आपकी पार्टनरशिप डीड में या फिर उस एक्ट के हिसाब से मैंशन होगा जितनी भी आप अपनी लाइबिलिटी रखना कि बस मुझे इतनी तक लाइबल हो सकता हूँ इससे ज़्यादा मैं लाइबल नहीं हो सकता इससे क्या होता है कि भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो अगर कोई ऐसा एक्ट हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो आपकी सारी चीज़ें ज़मीन वगैरह भी जब्त हो सकती है ठीक है आपको री करने के लिए लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी में उतना नहीं होता क्योंकि आपने स्पेसिफ़िकली मैंशन कर दी कि भाई मुझे मैं बस इतने ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही लाइबिल हो सकता हूँ इससे तो ज़्यादा मेरी लाइबिलिटी नहीं होगी ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ़ लाइबिलिटी दो तरीके की हो गई लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो ठीक है दिस इज ऑल वी हैव अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और द क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप ठीक है नाउ वी विल डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज टाइप्स ऑफ पार्टनर ठीक है तो अब इस चार्ट के हिसाब से हमें टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ठीक है बेसिकली छः तरीके के पार्टनर्स इसमें मैंशनड है एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर सीक्रेट पार्टनर नॉमिनल पार्टनर पार्टनर बाय एस्टॉपिल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सेक्शन ट्वेंटी एट में भी डिफाइंड है डिटेल में तो हम इसको यहाँ पर भी पढ़ेंगे क्योंकि ये इट्स अ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ पार्टनर ठीक है अब इनकी लाइबिलिटी को भी चार पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल जिस हिसाब से वो अपनी कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि किसी भी पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी भाई थोड़ी बहुत पैसा तो चाहिए होगा ना किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए आप कोई सी भी अगर पार्टनरशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसके लिए जो शुरुआती कैपिटल होती है ठीक है जो इन्वेस्टिंग अमाउंट होता है जो मिनिमम अमाउंट आप लगाकर उसको चालू करते हैं तो वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल कौन सा पार्टनर किस तरीके का पार्टनर किस टाइप का पार्टनर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है करता है या नहीं करता है ठीक है दूसरा इंपॉर्टेंट अच्छी इंपॉर्टेंट थिंग इज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट फर्म को मैनेज करने में कौन कितना पार्टिसिपेशन करेगा कौन पार्टिसिपेशन करेगा और कौन पार्टिसिपेशन नहीं करेगा किस टाइप का पार्टनर पार्टिसिपेशन करता है इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म किस टाइप का पार्टनर पार्टिसिपेशन नहीं करता इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा पार्टनर प्रॉफिट में हिस्सा प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा लेता है और कौन सा पार्टनर किस टाइप का पार्टनर प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा नहीं लेता और फोर्थ इज़ लाइबिलिटी दैट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी वी आर नॉट टॉकिंग हीयर अबाउट लाइबिलिटी इन ये जितने भी पार्टनर थे इन सबकी लाइबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी तो इस टाइप से जो है हमें समझने में आसानी हो जाएगी कि पार्टनर्स किसने तरीके के होते हैं किस किस बेसिस पे उनके टाइप्स होते हैं और क्या क्या उनकी लाइबिलिटीज़ या फिर क्या क्या उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन कॉन्ट्रीब्यूशन कैपिटल में उनकी भूमिका होती है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एक्टिव पार्टनर एक्टिव पार्टनर वर्ड से समझ में आ रहा है कि पार्टनर इज एक्टिव हर चीज़ में वो एक्टिव होगा कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल भी करेगा जो मिनिमम स्टार्टिंग में फॉर्म को खड़े करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हो रही है कैपिटल की उसमें वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ठीक है दूसरी चीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेशन करेगा मैनेजमेंट ऑफ़ द फर्म में मैनेजमेंट ऑफ़ द फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेशन करेगा मतलब रोज़ जाएगा काम देखेगा धंधा देखेगा क्या हो वह नहीं हो रहा सब चीज़ का ख्याल रखेगा एक्टिवली थर्ड इज़ प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में वो हिस्सेदार होगा प्रॉफिट में भी हिस्सेदार होगा लॉस में भी वो हिस्सेदार होगा फोर्थ इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी लाइबिलिटी अभी हमने पढ़ की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी कितना ही लॉस होता है कितना ही प्रॉफिट होता है हर चीज़ में उसकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होगी ठीक है तो अब एक्टिव पार्टनर कैसा हो गया कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल करता है पार्टिसिपेट मैनेजमेंट करता है एक्टिवली प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टनर होता है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है नाउ वी विल कम टू द सेकंड पार्टनर डैट इज द स्लीपिंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर नाम से ही पता चल रहा है कि वो इतना एक्टिव नहीं होता है तो कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल वो करता है यस स्लीपिंग पार्टनर भी कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा जब फर्म बनेगी तो उसमें जो भी कैपिटल लगेगी उसमें स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट लेकिन वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि वो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो स्लीपिंग पार्टनर है वो रोज़ आकर काम नहीं देखेगा थर्ड चीज़ है प्रॉफिट और लॉस उसको लेकिन प्रॉफिट और लॉस से मतलब होगा फार्म को अगर लॉस होता है तो उसको भी लॉस होगा प्रॉफिट होता है तो उसको भी प्रॉफिट होगा लाइबिलिटी उसकी भी अनलिमिटेड होगी तो इससे हमें क्या समझ में आया पैसा देगा लॉस में हिस्सा लेगा प्रॉफ़िट में हिस्सा लेगा लाइबिलिटीज में हिस्सा लेगा लेकिन एक्टिवली फर्म में नहीं आएगा स्लीपिंग पार्टनर होगा वो रोज़ फर्म के आगे अकाउंट्स वगैरह सब चीज़ें चेक नहीं करेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है उसने अपनी कैपिटल लगा दी है उसको उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो शेयर हो जाए बात ख़त्म है थर्ड पार्टनर इज़ सीक्रेट पार्टनर अब सीक्रेट पार्टनर की पहले समझ कोशिश करते हैं कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी तो अब ये सीक्रेट क्यों होता है ये तो एक्टिव पार्टनर की तरह हो गया एक्टिव पार्टनर में और इसमें ये डिफरेंस होता है बेसिकली कि सीक्रेट पार्टनर जो होता है थर्ड पार्टी जो भी उस फर्म से बिजनेस कर रही है उसको नहीं पता होता कि ये बंदा भी उस फर्म का पार्टनर है वो एक तरीके से सीक्रेट पार्टनर होता है ठीक है तो जो भी बिजनेसमैन जो भी थर्ड पार्टी उससे बिजनेस कर रही है जो भी बायर्स वगैरह उस फर्म से तो उनको नहीं पता होता कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ दैट कंपनी उसकी आइडेंटिटी रिवील्ड नहीं होती है सिर्फ पार्टनर्स को पता होता है कि ही इज़ अ पार्टनर थर्ड पार्टी को नहीं पता होता दैट्स वाई ही कॉल्ड ही इज़ अ सीक्रेट पार्टनर ठीक है बाकी सारे काम एक्टिव पार्टनर जैसी करता है बस उसको आ, हर चीज़ में वो करेगा बस वो एक सीक्रेट पार्टनर की तरह होता है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी थर्ड पार्टी को नहीं पता होती जो उनसे काम कर रही होती हैं ठीक है फोर इज़ नॉमिनल पार्टनर पहले समझ लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा कैपिटल में एक रुपया भी नहीं लगाएगा जब बिजनेस स्टार्ट होगा ठीक है ना ही मैनेजमेंट से उसको कोई मतलब होगा ना ही फॉर्म में आके देखेगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा ठीक है सिर्फ क्या है लाइबिलिटी उसकी होगी अगर फॉर्म के ऊपर कोई लाइबिलिटी बनती है तो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी अगर फॉर्म को कोई बहुत बड़ा लॉस होता है तो वो उसके भी एसेट्स को बेचा जा सकता है और उससे वो लाइबिलिटी ली जा सकती है ठीक है तो अब नॉर्मल नॉमिनल पार्टनर बेसिकली होता क्या है फिर ना ही तो वो कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहा ना ही वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस ले रहा लेकिन सिर्फ लिबिल लाइबिलिटी में वो लाइबल है ये ऐसे वी होते हैं जिनका नाम ही काफ़ी होता है ठीक है उनको कहते हैं नॉमिनल पार्टनर फॉर एग्ज़ाम्पल रतन टाटा अगर कोई बंदा जाता है कि भाई रतन टाटा के पास कि आप मेरी फॉर्म में को सिर्फ अपना नाम दे दीजिए मैं आपका सिर्फ नाम यूज़ करूँगा अब वो इतने बड़े बिजनेसमैन है अगर कोई बंदा उनका नाम यूज़ करता है तो जाहिर सी बात है उनके खुद वो एक ख़ुद में एक ब्रांड है उनकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू है तो उस की उनके नाम की वजह से पार्टनरशिप फॉर्म को काफी काम मिल सकता है तो उस पार्टनर को जो सिर्फ अपना नाम दे रहा है उस पार्टनरशिप फर्म को उस पार्टनर को कहते हैं नॉमिनल पार्टनर इसीलिए वो कैपिटल में कोई पैसा नहीं लगाता कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता कोई प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होता वो एक अपने आप में ब्रांड होता है सिर्फ अपने नाम किसी दूसरी पार्टनरशिप को वो देता है ही नोन एज नॉमिनल पार्टनर ठीक है अब फिफ्थ एंड सिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट लगभग दोनों एक ही जैसे होते हैं पार्टनर बाय स्टॉपिल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ठीक है अब पहले समझ लेते हैं ना ही ये भी बिल्कुल नॉमिनल पार्टनर की तरह होते हैं ना ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल में ना ही पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में और ना ही करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ठीक है सिर्फ अनलिमिटेड लाइबिलिटी इनके ऊपर भी होती है जैसे किसी और पार्टनर के ऊपर होती है तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली फिर ये होते क्या हैं पार्टनर बाय स्टॉपिल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ठीक है एस्टॉपल इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म mentioned इन द इंडियन एविडेंस एक्ट एस्टॉपल का मतलब होता है आपने किसी अपने आप को रिप्रजेंट करा किसी के सामने कुछ भी बनाकर और उस बंदे ने आपको बिलीव कर लिया कि आप वो पर्टिकुलर इंसान हैं ठीक है थीके? उसको बिलीव करते हुए अगर वो कोई काम कर देता है तो आप बात को ये मना नहीं कर सकते कि भाई मैं तो ये चीज़ था ही नहीं ठीक है अब ये ऐसा तो समझ में नहीं आएगा ये समझ में आएगा एक एग्जाम्पल से ठीक है ए और बी दो पार्टनर होते हैं ठीक है थीके? उनका एक फ्रेंड होता है सी अब ए और बी जा रहे होते हैं एक मीटिंग करने अपने बायर से फॉर एग्जांपल ठीक है अब सी का फ़ोन आता है कि पूछता है अपने फ्रेंड से कि कहाँ जा रहे हो तो वो कहता है कि भाई ऐसे ऐसे मीटिंग में जा रहे हैं तो वो कहता है चलो मैं भी आ जाता हूँ मैं भी खाली हूँ मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारी मीटिंग में तो अब ए और बी जो पार्टनर होते हैं वो बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलो अब ये तीनों जाते हैं मीटिंग में अब यहाँ पर पार्टनर कौन है ए और बी और सामने कौन बैठा हुआ है बायर सी कौन है ए या बी में से किसी का भी या दोनों का फ्रेंड है ठीक है वो पार्टनर नहीं है अब क्या होता है जब डिस्कशन होना शुरू होता है तो डिस्कशन में जो सी होता है वो भी बढ़ चढ़ हिस्सा लेता है वो भी अपना ज्ञान दिखाता है ठीक है जो भी बायर्स के बीच में वो पार्टनर्स के बीच में बात हो रही होती है ठीक है हर चीज़ में अपनी राय देता है हर चीज़ को बताने की कोशिश करता है तो अब यहाँ पर बायर के दिमाग में क्या चीज़ आएगी भाई नाई तो कोई स्पेसिफिकली मना कर रहा है और तीनों साथ में भी आए हैं और जो सी है उनका दोस्त है वो एक्टिवली बात भी कर रहा है हर चीज़ में अपना सुझाव भी दे रहा है रिकमेंडेशन भी दे रहा है हर चीज़ को डील करने की भी कोशिश कर रहा है तो सी क्या समझ जो बायर है वो क्या समझेगा बायर ये समझेगा कि भैया ये बंदा भी फर्म का पार्टनर है ठीक है अब उसकी निगाह में वो सी जो है वो भी भाई ए और बी को पता है वो पार्टनर नहीं है सी को पता है वो पार्टनर नहीं है लेकिन सामने वाले को उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि भाई ये भी पार्टनर है ठीक है तो उस मीटिंग में जो भी चीज होती है अब बायर को क्या लगता है कि ये बंदा भी पार्टनर है तो इसको कहते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपिल कल को जाकर अगर उसकी किसी बात पे भरोसा करके जो बायर होता है वो कोई डिसीजन लेता है और उसकी वजह से कोई नुकसान होता है तो वो सी जो उनका फ्रेंड था वो भी लायबल हो सकता है क्योंकि ही इज़ नाउ पार्टनर बाय एसथोपिल क्योंकि उसने अपने आप को बायर के सामने ऐसा शो किया कि वो भी पार्टनर है या फिर बायर को उसकी बातों से हर चीज़ में एक्टिव पार्टिसिपेशन से ऐसा लगता है कि ये भी एक पार्टनर है तो वो एज अ पार्टनर बाय अस्टॉपिल हो जाएगा दो कि वो रियलिटी में पार्टनर नहीं था लेकिन क्योंकि बायर को ऐसा लगा और उसकी बात पे भरोसा करते हुए उसने कुछ काम किया और जिसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ ठीक है तो अब यहाँ पर उसकी लाइबिलिटी अराइज़ हो जाएगी वो भी अनलिमिटेड होगी क्योंकि उसने अपने आप को एज अ शो किया कि ही इज़ ऑल्सो अ पार्टनर तो ये हो गया पार्टनर बाय अस्टॉपिल अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है इसका सीनारी अलग है इसको समझने की कोशिश कीजिए सेम सीन है ए और बी मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं बाहर से अब वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं या उसको या उनका दोस्त उनको फ्रेंड उनको फ़ोन कर लेता है कि भैया कहाँ जा रहे हो वो बताते हैं हम ऐसे ऐसे मीटिंग में जा रहे हैं या तो फिर वो दोनों ही उसको फ़ोन करते हैं कि भैया हम ऐसे ऐसे मीटिंग में जा रहे हो साथ चलना हो तो चलो तो अब वो दोनों तीनों मीटिंग में चले गए अब बात हो रही होती है अब पहले क्या था पहले तो वो बंदा जो उनका फ्रेंड था जो सी था वो खुद को अपने आप को एज अ पार्टनर शो कर रहा था वो अब या फिर उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो पार्टनर है अब होल्डिंग आउट के केस में क्या होता है ए और बी जो पार्टनर हैं वो ऐसा शो कराते हैं अपनी बातों से कि भाई सी भी जो है वो हमारा पार्टनर है टू द बायर ठीक है पहले क्या था पहले वो बंदा खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था ए और बी ने उसको नहीं कहा था कि भाई तुम भी ऐसी बातें करो या फिर तुम भी हमारे इसमें बोलो वो खुद से उस चीज़ में बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहा था लेकिन अब क्या ए और बी जाते हैं तो ए और बी जब बात करते हैं तो वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि या फिर बात कर ऐसी बातें करते हैं जिससे कि ये लगे कि सी भी हमारा पार्टनर है ठीक है तो अब समझ में आ गया उसमें सी जो था वो खुद से शो कर रहा था खुद से एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रहा था कि मैं पार्टनर हूं यहां पर क्या है जो पार्टनर है वो एज ऐसा, ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि सी जो है वो हमारा पार्टनर है तो इस चीज को कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ठीक है तो अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया उसमें सी शो करने की कोशिश कर रहा था इसमें ए और बी जो पार्टनर है वो दिखा रहे हैं बायर को कि ये भी हमारा पार्टनर है ठीक है लेकिन अब इसमें क्या है होल्डिंग आउट में भाई पहले वाले एस्टोबिल में तो बंदा सी जो है वो फ्रेंड जो था वो खुद से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था तो वो क्या ही मना करता कि मैं पार्टनर नहीं हूँ ठीक है लेकिन होल्डिंग आउट में अगर मीटिंग ख़त्म होने तक जो बंदा है वो कह देता है साफ साफ क्योंकि यहाँ पर वो तो दिखाना नहीं चाह रहा कि मैं एज अ पार्टनर हूँ वो तो चुपचाप बैठा हुआ था लेकिन ए और भी खुद अपनी बातों से ऐसा दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी हमारा पार्टनर है तो अगर मीटिंग ख़त्म होने तक वो बंदा ये कह देता है कि भैया मैं पार्टनर नहीं हूँ इनका एक्टिव उनको उसको कम्युनिकेट कर देता है बाहर को ये चीज़ तो उसकी लाइबिलिटी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी लेकिन अगर मीटिंग ख़त्म होने तक भाई उसको भी समझ में आ रहा है इतना कि मुझे पार्टनर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो खुद भी मना नहीं करता है एक्टिवली बायर से और बायर को लगता है कि ये भी पार्टनर है भाई जाहिर सी बात है जब पार्टनर दिखाने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी को लेकर आएँ एथ मीटिंग में लेकर आएँ तो बायर को तो लगेगा ही तो अगर वो जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो मान लेता है और वो मना नहीं करता तो कल को अगर कोई लाइबिलिटी खड़ी होती है तो वो कहलाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और उसको भी लाइबिल किया जा सकता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स